हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, यानी कि किस प्रकार से हम लिक्विड से कोई भी सॉल्युबल सॉलिड्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासेज स्टार्ट करने से सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लें ताकि मैं फटाफट क्लासेज स्टार्ट कर सकूँ। तो मैं कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मैं वहाँ नोट कर लेता हूँ, इसके बाद हम उसको चर्चा करेंगे। फटाफट आप लोग अपना अटेंडेंस बना लो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा चर्निंग। ठीक है, देखिए कहता है चर्निंग प्रोसेस का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। बेसिकली मिल्क कंटेन्स इमल्सिफाइड फैट्स, इसमें जो होते हैं इमल्सिफाइड क्या होते हैं कि ऐसे फैट्स जो बाद में छन कर बाहर आ सके। दिस डू नॉट फॉर्म सेडिमेंट आर नॉट रिटेन्ड बाय आवर फिल्टर पेपर। एक्चुअली ये सेडिमेंट के तौर पर ये फैट कभी नीचे नहीं जमा होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात इसे हम इस फैट को हम जो है किसी भी सेडिमेंट पेपर या वो क्या कहते हैं उसे सैंड पेपर या जो भी फिल्टर पेपर होते हैं इसकी मदद से हम उसे अलग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है इफ़ वी हीट इट, अगर हम इसे गर्म करते हैं। सपोज दूध को अगर हम गर्म करते हैं, द वाटर विल इवेपोरेट एंड फैट एंड अदर सॉलिड सब्सटेंसेस आर ऑब्टेंड एज खोआ। अगर आप मिल्क को ज़्यादा हीट करते हैं, उसे बहुत देर तक आँच पर पकाते रहते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि उसके जो जितने भी वाटर होते हैं वो वेपराइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद बचता क्या है, तो वो बचता है कंडेंस्ड मिल्क। इसे आप नोट कर लेंगे, कंडेंस्ड मिल्क, जिसे हम क्या कहते हैं खोआ। चर्निंग नीड्स टू बी डन इफ यू विश टू ऑब्टेन ओनली द फैट। अब देखिए चर्निंग प्रोसेस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये तब किया जाता है जब हमें सिर्फ और सिर्फ फैट चाहिए होता है। ठीक है, द मिल्क इज रैपिडली रोटेटेड एंड इट इज रेसिस्टेड मैकेनिकली बाय ब्लेड्स। आफ्टर सम टाइम द फैट सेपरेट्स आउट एज अ लेयर कॉल्ड क्रीम और मलाई। देखिए करना क्या होता है कि मिल्क को बार बार उसे रोटेट करना होता है ना। ब्लेड्स जो होते हैं गर्मी जो होता है उसे मथनी कहते हैं, उससे उस दूध को मथा जाता है, उसके जो छाले होते हैं ना उसको मथा जाता है बार बार उसे बार बार इस तरह से रोटेट करने से आप देखेंगे जो फैट होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, और वो किसके रूप में बाहर आते हैं, तो वो क्रीम के रूप में या फिर मलाई के रूप में बाहर चले जाते हैं। कर्ड कैन ऑल्सो बी चर्न्ड इन आवर मिक्सर टू बेटर दही। ठीक है, अगर दही को भी थोड़ी देर तक चर्न किया जाए, ठीक है, उसे मथा जाए, तो क्या होता है उससे मक्खन या उसके जो फैट्स होते हैं जो उसके घी होते हैं वो बाहर चल जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इवेपोरेशन। कहता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू इट्स वेपर फॉर्म, ठीक है, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इट टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली एंड एट ऑल टेम्परेचर्स वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। देखिए इवेपोरेशन प्रोसेस जो है इसके द्वारा भी जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं उससे हम लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। बेसिकली इस प्रोसेस का इस्तेमाल हम पानी में घुले हुए नमक को सेपरेट करने के लिए करते हैं पहली बार। अब देखिए कहता है कि इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इंटू वाटर वेपर है ना ड्यू टू हीट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसे कोई भी वाटर सोर्स होते हैं, वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो लेक हो, रिवर हो, वेल हो, हैंडपम्प के अंदर यानी अंडरग्राउंड वाटर हो, ये सारे ही वाटर जो होते हैं वो वेपोराइज होते हैं जो भी वाटर के रिसोर्स हो। तो कहता है टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली एंड एट ऑल टेम्परेचर्स वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ भी पानी मौजूद हैं वहाँ वेपोराइजेशन यानी इवेपोरेशन प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। इवेपोरेशन प्रोसेस कभी नहीं रुकता, यहाँ तक कि हवा में वायु में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप
जैसे कहते हैं ना ह्यूमिडिटी क्या है, तो ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन आवर एनवायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, यानी हमारे वातावरण में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली वाटर वेपर आते कहाँ से, किसके कारण जब ये आते हैं ड्यू टू ई वेपराइजेशन प्रोसेस के कारण, ठीक है। ई वेपराइजेशन प्रोसेस के कारण जो है जो भी वाटर बॉडीज हैं वहाँ पानी हीट होता है और हीट होने के बाद वह कन्वर्ट होता है वाटर वेपर, ठीक है। और वाटर वेपर चूँकि लाइट होता है हल्का होता है इसीलिए इन्वायरमेंट में इस तरह से फ्रीली मूव करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। When a solid gets dissolved in water, boil the mixture till the water changes into vapor. अगर किसी भी सॉलिड को आपने अगर वाटर में अच्छे से घोल दिया है तो सबसे पहले तो आपको उस मिक्सचर को अच्छे से गर्म करना होगा, बहुत देर तक उसे गर्म करना होगा। तब तक गर्म करना है जब तक कि उससे वाटर वेपर लीच नहीं करने लगे, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड पार्टिकल्स, और नीचे सॉलिड पार्टिकल्स बच गए। दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। एक्चुअली इस मेथड का कॉमनली यूज जो करते हैं सी वाटर से सॉल्ट को अलग करते हैं, ठीक है। सी वाटर यानी कि समुद्र के जल से नमक को पृथक करना, अलग करना। हैव यू एवर वंडर वेयर द सॉल्ट एडेड टू सो मेनी फूड आइटम्स कम फ्रॉम। इतने सारे भोजन में जो हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको कभी ये आश्चर्य नहीं हुआ कि आखिर ये नमक आता कहाँ से? कहता है इट कम्स फ्रॉम सी वाटर। एक्चुअली यह समुद्र के जल से निकाला जाता है एंड अलॉन्ग विद कॉमन साल्ट जिसमें कि सोडियम क्लोराइड, और देखिए यहाँ पर एक सोडियम क्लोराइड का चर्चा किया गया है। इसे NaCl यानी सोडियम और क्लोरीन, ये दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर के सोडियम क्लोराइड का एक कंपाउंड तैयार करता है। ये एक कंपाउंड है और इसे ही हम कॉमन भाषा में साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नमक। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं सी वाटर इज अलाउड टू कलेक्ट इन अ शैलो पॉन्ड। सबसे पहले तो समुद्र के तल के आसपास जो है बड़े बड़े गड्ढे या पिच किए जाते हैं एंड इवेपोरेटेड इन द सन, और उसे धूप में एवेपोरेट किया जाता है, मतलब उसके जो पानी होते हैं ना वाटर वो इवेपोरेट होकर के हवा में ऊपर चले जाते हैं। द वाटर इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, और जब वो वाटर इवेपोरेट कर जाता है तो हम देखते हैं जो सैलो पिट है जो गड्ढा है उसमें वाइट सब्सटेंस बच जाते हैं। एक्चुअली वाइट सब्सटेंस है क्या? तो ये कोई और नहीं, ये कुछ और नहीं बल्कि ये नमक सॉल्ट। तो बढ़ते हैं आगे। कहता है दिस सॉल्ट इज फर्दर प्यूरिफाइड एंड यूज एज कॉमन टेबल सॉल्ट, और इसी नमक का उपयोग हम लोग बाद में अपने घरों में एज अ कॉमन सॉल्ट के रूप में इसका यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन यानी ड्यूरिंग इवेपोरेशन वी गेट प्योर सॉलिड एंड द वाटर वेपर्स आर अलॉन्ग विद स्केल, मतलब इसमें जो होते हैं ना इवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान हमें जो प्योर सॉलिड प्राप्त होते हैं, ठीक है, और वाटर वेपर्स होते हैं फुल्ली वो बाहर चले जाते हैं। तो डू वी हैव एनी टेक्निक टू रिकवर प्योर लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, मतलब सॉल्यूशन, क्या किसी भी सॉल्यूशन से प्योर लिक्विड क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? अब ये सवाल है। तो यस, प्योर लिक्विड कैन बी रिकवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। एकमात्र ऐसा प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी विलयन से हम एकदम उसका शुद्ध रूप सबसे प्योरेस्ट फॉर्म हम प्राप्त कर सकते हैं, और डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर प्राप्त होता है इसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर इस प्रक्रिया में होता क्या है। इन दिस प्रोसेस द सॉल्यूशन इज हीटेड, जो विलयन होते हैं जो सॉल्यूशन होते हैं उसे गर्म किया जाता है, सो दैट ताकि द लिक्विड बिगिंस टू बॉइल एंड इवेपोरेट, ताकि जो लिक्विड होते हैं वह खौलना शुरू हो जाए और वह इवेपोरेट भी होना स्टार्ट हो जाए। द लिक्विड वेपर्स आर देन कूल्ड इन अ कंडेंसर टू गेट प्योर लिक्विड, इसके बाद इस लिक्विड वेपर को ठंडा किया जाता है, कंडेंस किया जाता है एक कंडेंसर के माध्यम से, ताकि इससे हम प्योर लिक्विड प्राप्त कर सकें। द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द कंडेंसर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, और इस कंडेंसर के द्वारा जो वाटर प्राप्त किया गया बेसिकली वह डिस्टिल्ड वाटर।
does not contain any impurities of dissolved solids also. इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है, किसी प्रकार की impurities नहीं होती हैं और इसमें कोई भी solid dissolve नहीं होते हैं. Distilled water is widely used in laboratories for scientific work as a battery water in cars and inverter batteries etc. इनका इस्तेमाल हम प्रयोगशालाओं में, इसके अलावा जो घर में इन्वर्टर यूज करते हैं उसके बैटरी में भी करते हैं, साथ ही साथ कार की बैटरी में भी डिस्टिल्ड वाटर का यूज किया जाता है. ए स्पेशल एपरेटस एज शोन इन द फिगर इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग डिस्टिल्ड वाटर. यहाँ साइड में पेज नंबर 55 में आपको एक तस्वीर दर्शाया गया है, इसके द्वारा इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है. नेक्स्ट है, द वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व इंप्योरिटीज इज केप्ट इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क. सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं एक राउंड बॉटम, एक फ्लास्क है, एक जार है जो कि बेसिकली गोल है और इसमें सबसे पहले जो वाटर है जिसमें कि इंप्योरिटीज यानी अशुद्धि मिला हुआ है उसे इस फ्लास्क में हम पहले डाल देते हैं, ठीक है, और इसके बाद इसे हीट किया गया, गर्म करना स्टार्ट करते हैं. वो भी एक बर्नर लगा होता है, इस बर्नर को हीटिंग बर्नर होता है जिसको हम जैसे घर में गैस होते हैं ना उसे उसे बर्नर, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक बर्नर होते हैं उसे हीट करने के लिए. अब ये पानी जो है, जो इम्प्योरिटी जिसमें मिला हुआ है सॉल्यूशन में, वो स्टार्ट होता है, खोलना स्टार्ट हो जाता है. द वाटर वेपर्स आर अलाउड टू पास थ्रू एन एपरेटस कॉल्ड लाइट बिग कंडेंसर. और इसके बाद जो वाटर वेपर होते हैं एक लंबे से है ना जो ट्यूब होते हैं उसके द्वारा वो पास, इट इज़ फिटेड टू द आउटर ऑफ आउटलेट ऑफ राउंड वाटर पास, जो कि आप देख सकते हैं कि अंत में इस तरह से ये वाटर वेपर सरकता हुआ धीरे धीरे करके दूसरे जार में स्टोर हो रहा है और वहाँ जाके वो ठंडा होता है, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली ये सर्कुलेट होता रहता है कोल्ड वाटर थ्रू द कंडेंसर, कंडेंसर के द्वारा ये कोल्ड वाटर में कन्वर्ट होता रहता है. ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर आर कलेक्टेड इन अनदर ग्लास. और इसके बाद जो डिस्टिल्ड वाटर के जो मतलब के ड्रॉप्स होते हैं, जो उसकी बूंदें होती हैं, वो दूसरे ग्लास में जाकर स्टोर. तो इस तरह से हम लोग जो है डिस्टिल वाटर प्राप्त कर सकते हैं. अब देखिए जो कुछ बचा हुआ टॉपिक है, अब इसे हम अगले दिन के क्लास में इसे डन करेंगे. तो आज के लिए इतना टॉपिक जो है वो काफ़ी है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा तैयारियां करनी होंगी अभी एग्ज़ाम को लेकर के. तो आप देखिए एग्ज़ाम को लेकर के इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहें, क्योंकि एग्जाम में आपको लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और लेसन 4 से ही रिलेटेड सब सवाल पूछे जाएंगे और खास करके इसमें 70-80% क्वेश्चन आपके बुक के इंटरनल पार्ट से रहेंगे. तो आपको इंटरनल पार्ट ज़्यादा पढ़ना है, आउटी जो है जो भी क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं बेसिकली, तो आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स जरूर सॉल्व कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ ऐसा. तो आप लोग इसी तरह से अपना मेहनत करते रहें, ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेस लाने का कोशिश करें, ठीक है.